मौसम और अब वक्त हो गया है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एमपी अब तक का शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नतीजों से पहले ही सट्टा बाजार है गर्म। सट्टा बाजार में सरकार पर लग रहे हैं दाव, यानी कि किसकी बनेगी सरकार। न्यूज 18 पर जानिए किसके साथ है सट्टा बाजार। सट्टा बाजार में सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर दाव लग रहे हैं और न्यूज 18 आपको बता रहा है कि सट्टा बाजार किसके साथ है, बीजेपी की वापसी या फिर कांग्रेस की बनेगी सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सट्टा बाजार में किसके नाम को लेकर सबसे ज्यादा मजबूत दाव लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार किसके साथ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी ये बताएंगे हम आपको न्यूज 18 पर। और अब आपको बताते हैं कि कौन सा सट्टा बाजार किस पर कितनी सीट बता रहा है। ये देखिए फलौदी सट्टा बाजार की तस्वीर, कमल के साथ 106 से 109 सीटों का दावा सट्टा बाजार का है। हाथ को मिलेंगी 116 से 119 सीटें, ये आंकड़ा फलौदी सट्टा बाजार का हम आपको बता रहे हैं। कमल के खाते में 106 से 109 सीटें, हाथ को मिलेंगी यानी कि कांग्रेस को मिलेंगी 116 से 119 सीटें। ये पिक्चर है फलौदी सट्टा बाजार की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर। ये वहां का आंकड़ा, ये वहां का दावा आपको बता रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भोपाल सट्टा बाजार क्या कह रहा है। भोपाल सट्टा बाजार की तस्वीर भी आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या सरकार किसकी बनेगी। तो कमल के पास 85 से 95 सीटें, कमल के पास यानी कि बीजेपी के पास 85 से 95 सीटें और कांग्रेस को मिलेंगी 119 से 132 सीटें। आपको बता रहे हैं कांग्रेस के साथ यहां पर 119 से 132 सीटें आपको बता रहे हैं हम। ये है भोपाल सट्टा बाजार की तस्वीर। और अब आगे आपको बताते हैं इंदौर सट्टा बाजार का हाल क्या है। इंदौर सट्टा बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के पास 106 से 109 सीटें और कांग्रेस के खाते में 116 से 119 सीटें। यहां पर भी बाजी मारती कांग्रेस दिख रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल सट्टा बाजार, इंदौर सट्टा बाजार और फलौदी सट्टा बाजार। यहां तीनों ही सट्टा बाजारों में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें दिख रही हैं। ये हम सट्टा बाजार का दावा आपको बता रहे हैं कि कहां किस सीट को लेकर, किस पार्टी को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं, ज्यादा दाव लगाया जा रहा है। और यहां बीजेपी और कांग्रेस को लेकर इंदौर सट्टा बाजार की क्या हलचल है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी के पास 106 से 109 सीटें, कांग्रेस को हाथ का निशान आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 116 से 119 सीटें। ये है इंदौर सट्टा बाजार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं भोपाल से लाइव। वासु, सट्टा बाजार में किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी इसको लेकर हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई है। तीन सट्टा बाजारों का हाल पूरी अपडेट आप दीजिए। बिल्कुल अपर्णा, देखिए सट्टा बाजार में किस पार्टी की ओर रुझान है, झुकाव है, इसको लेकर चुनावों के बाद जो एनालिसिस होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनका खासा इंटरेस्ट रहता है और जनता भी बड़ी उत्सुकता के साथ सट्टा बाजार की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक रिफ्लेक्शन, एक रुझान जो है चुनाव को लेकर वो नज़र आता है। और सट्टा बाजार के जो फिलहाल रुझान नज़र आ रहे हैं, चाहे फलौदी की बात करें, इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, जो यहाँ के मार्केट्स के फिलहाल ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें देखकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो खुशियां जो है वो मना सकती है और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस सट्टा बाजार के पूरे माहौल को देखकर खुश जरूर हो रहे होंगे, प्रफुल्लित जरूर हो रहे होंगे। लेकिन सट्टा बाजार का रुझान जिस पार्टी के खिलाफ जाता है, अगेंस्ट में जाता है, वो जरूर इसे मानने से इनकार करते हैं और वो अपने तर्क देते हैं, वो अपने तथ्य देते हैं। सट्टा बाजार की भी अगर माने तो जो अलग अलग तरीके से सट्टा बाजार में ट्रेंड्स होते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं और कई बार ये देखा गया है कि ट्रेंड जो है वो चेंज होता है वो भी नजर आता है। लेकिन
लेकिन मौजूदा जो समय है, जो मौजूदा वक्त है, यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं लीड जो है वो दिखाई दे रही है और कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में सट्टा बाजार फिलहाल बनवाता हुआ नजर आ रहा है। आप बता रहे हैं कि ट्रेंड्स में तब्दीली देखने को मिलती मिल सकती है और मिलती भी रहती है। 22 तारीख है आज, 3 तारीख को तस्वीर साफ हो ही जाएगी ऑफिशियली, लेकिन क्या इस बीच भी ये जो सीटों का अनुमान है ये ऊपर नीचे होगा? निश्चित तौर पर देखिए, जनता ने अपना मत जो है वो दे दिया है ईवीएम में, प्रत्याशियों का भाजपा कांग्रेस का भविष्य जो है वो कैद है और वो 3 तारीख को ही ओपन होगा। सट्टे बाजार के हिसाब से या किसी सर्वे के हिसाब से 100% अनुमान सही नहीं लगाया जा सकता, ये फैक्ट है और इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जो है वो भली भांति परिचित है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो रुझान है वो इससे जरूर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि सट्टा बाजार का जो ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं जनता के इमोशंस पे और जो पब्लिक के बीच में से बातें निकल कर सामने आती है उसको देखकर वो सेट होता है और फिलहाल उसमें कांग्रेस को जो है वास्तु जो अलग अलग सट्टा बाजारों का ये हम अनुमान बता रहे हैं दर्शकों को, उस पर विस्तार से आपसे बात करेंगे हर सट्टा बाजार की रिपोर्ट को लेकर। लेकिन पहले बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, बीजेपी को 106 से 109 सीटें मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार का है। कांग्रेस को 116 से 119 सीटों का अनुमान भी यहां पर फलौदी सट्टा बाजार कर रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट। और जिस तरह से वासु हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ट्रेंड्स में भी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है आगे भी, 3 तारीख को तो औपचारिक ऐलान होगा, रिजल्ट सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार की रिपोर्ट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार में सीटों का अनुमान क्या है? कांग्रेस को 116 से 119 सीटें, बीजेपी को 106 से 109 सीटें, ये अनुमान है फलौदी सट्टा बाजार का। वासु हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु जरा बताए, फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान इससे पहले क्या रहा है, कितना हिट रहा है, कितना फ्लॉप रहा है, जरा इसकी भी रिपोर्ट दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए फलौदी सट्टा बाजार को लेकर ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा सट्टा बाजार है और यहाँ पर जिस तरीके के रुझान या जो एक प्रेडिक्शन किया जाता है वो अधिकतर बार जो है वो सही साबित होता है। 2018 में भी इसी तरीके का जो एक ट्रेंड आया था फलौदी के सट्टा बाजार से कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत से बनेगी, और कुछ ऐसा ही मध्यप्रदेश की तस्वीर 2018 में रही थी। लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत वहाँ पर नहीं ला पाई थी, 114 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस को सपा बसपा का और दलीय उम्मीदवारों का समर्थन मिला था, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी बहुमत जो है वो राज्यपाल के सामने सिद्ध की थी। पहले तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर आई थी, ये बात पूरी तरह से सही है, और फिर कांग्रेस ने अन्य लोगों का समर्थन, अन्य विधायकों का समर्थन जो सपा बसपा और निर्दलीय थे उनका समर्थन हासिल किया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो है वो मध्यप्रदेश में बनी थी। लेकिन ये स्टेबल गवर्नमेंट सामने साबित नहीं हो पाई और 15 महीने बाद सरकार गिर गई। और इस बार के अगर आप ट्रेंड्स को देखते हैं तो आप फलौदी सट्टा बाजार को ले लीजिए, भोपाल और दौर से जो रिपोर्ट्स आ रही है आप उनको ले लीजिए, बहुत आसपास मेजॉरिटी के बहुत आसपास कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी लाए कर रहे हैं। अगर आप एक बड़ी तस्वीर देखें तो कांग्रेस 119-120 की तरफ बढ़ती हुई सट्टा बाजार में नजर आ रही है, 116 मध्यप्रदेश में जादुई आंकड़ा है क्योंकि 230 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, और बीजेपी भी आप देखिए 109 तक वहां पर जो है वो सट्टा बाजार दर्शा रहा है कि 109 सीटें जो है वो बीजेपी भी ला सकती है। तो अगर इसमें प्लस माइनस आप 10 सीटों का रखें या 7 से 8 सीटों का भी रखें तो यहां पर उलटफेर हो सकता है, बीजेपी भी सरकार बनाने की गुंजाइश में कहीं ना कहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी सट्टा बाजार में पूरी तरह से लूज होते हुए दिखाई दे रहे, हालांकि कांग्रेस के लिए तस्वीर थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी बेहतर है अगर कांग्रेस इससे और ज्यादा सट्टा बाजार का अनुमान जो है उसमें कांग्रेस को लीड मिलती नजर